त्रिकोणमिति सर्व समीकरण इसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। इक्वेशन सरल समीकरण या इक्वेशन उसको कहा जाता है जो क्या हो बराबर के बीच में बराबर हो, बराबर के उस पार या तो जीरो हो नहीं तो कुछ ना कुछ हो, कुछ नहीं होगा तो जीरो होगा है ना, और बराबर के इधर हो। अब उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मेन जो सूत्र है इसका पहले सूत्र पढ़ेंगे ना, फॉर्मूला। तो सबसे पहला जो पहले से पढ़ चुके हैं, टैन थीटा बराबर कितना, साइन थीटा नहीं है, अब वो लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण नहीं सीधा, अब टैन थीटा जहाँ पर भी होगा उसको साइन बटा कॉस लिख सकते हैं है ना, अब पहले वाला नहीं है। अब पहले वाला ये वाला चैप्टर बनाने के बाद पीछे वाला जाना तो दो दो लाइन में सब बनेगा सब, जो पहले दिया रहता कि टैन थीटा बराबर एक बटा दो, मतलब इस चैप्टर का ही सूत्र है। हाँ क्योंकि इसमें लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण रखना ही नहीं, साइन थीटा से टैन थीटा कॉट थीटा ये सबका प्रूफ करना है, दूसरा कुछ नहीं, मान भी नहीं रखना। तो टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया, फिर उसके बाद कॉट थीटा ठीक इसका उल्टा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो गया, फिर उसके बाद सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा, तो ये भी क्या हो जाता है टैन थीटा, और कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा, सेक थीटा ये हो जाते हैं कॉट थीटा। अब यहाँ से टैन थीटा का दो फॉर्मूला, एक तो ये है टैन थीटा बराबर इसका इस्तेमाल करो, और टैन थीटा का एक ये फॉर्मूला ओके। तो यहाँ से टैन जो है वो किसका है, साइन कॉस का अनुपात है, और टैन यहाँ पे सेक और कॉसेक का। अब यहाँ से यहाँ ये टैन टैन साइन बटा कॉस का है ना, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, तो यहाँ साइन क्या है ऊपर, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो यहाँ कॉसेक नीचे चला गया, और कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक ऊपर चला गया ना। तो टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी होगा, और सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा वो भी टैन ही होगा है ना। जैसे यहाँ से सेक थीटा है तो सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा हो गया, सेक थीटा को कितना लिखेंगे वन बटा कॉस थीटा, और फिर कॉसेक थीटा को वन बटा साइन थीटा हो गया। साइन सबसे ऊपर चला जाएगा, कितना बचेगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन बटा कॉस कितना होता है टेन है। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद साइन का उल्टा तो साइन थीटा होगा, तो उसकी जगह पे कितना लिखे एक बटा कोसेक थीटा हो गया, कॉस थीटा कॉस का उल्टा सेक तो वन बटे सेक थीटा, और टेन का उल्टा तो वन बटा कॉट थीटा हो गया। फिर इसका उल्टा कॉट टेन के जगह आ जाएगा, टेन उसके जगह पे चला जाएगा, फिर इसका उल्टा भी कॉसेक थीटा तो वन बटा साइन हो गया। अब यहाँ से आगे जा करके जितना भी चीज़ है सरसमिका को सिद्ध करने के लिए, तो अगर दूसरा में दिया होगा ना उसको अगर हल्का बनाना है तो साइन कॉस में बदलना पड़ेगा, तो ये सब फॉर्मूला लगाना, अगर कोसेक दे दिया उसको साइन में बदलना है तो वन बटा साइन लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ से सेक थीटा कितना वन बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा वन बटा टेन थीटा, ये सब फॉर्मूला है। अभी फार्मूला गिनते रहो, लगभग 25 तक चला जाएगा सब फार्मूला इस चैप्टर के लिए सिर्फ। अब उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना एक,
फिर उसके बाद अगर कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर बराबर कितना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब फॉर्मूला ही है। फिर अगर ये साइन पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर जब दूसरे तरफ जाता है तो क्या होता है, रूट बन जाता है, तो फिर साइन थीटा बराबर कितना, तो अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। फिर उसके बाद अगर कॉस थीटा को इधर रहने देंगे, साइन को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। तो एक से कितना बन गया, पाँच। फिर उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा सब आगे ना। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कितना, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कहीं कहीं वन माइनस साइन स्क्वायर को लिखना पड़ेगा वन प्लस साइन थीटा गुने वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, हो गया। क्योंकि एक एक का स्क्वायर होता है ना, और साइन तो स्क्वायर में ही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी गुने ए माइनस बी। तो कभी कभी प्रूफ करने के लिए या काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर को लिखना पड़ेगा वन माइनस साइन स्क्वायर, और वन माइनस साइन स्क्वायर को कभी एक वन प्लस साइन थीटा और गुने वन माइनस साइन थीटा। तो ये प्रूफ करने के लिए, तो ये हमेशा याद रखे रहने, यही सब नहीं पता रहता है बार बार फंसेगा कि क्या लिखे कैसे कटेगा ना, कि आएगा कॉस थीटा और लिखना है वन प्लस साइन थीटा। तो यही पूरा प्रोसेस पता होगा तब जा करके लिखाएगा, नहीं तो दोबारा बनाना पड़ेगा तब जा करके समझ में आएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, अगर सेक को इधर रहने दे टेन माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हो गया। और इसका फॉर्मूला है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, ये रूट में बदलेंगे, जब सेक स्क्वायर जरूरी होगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर, और सिर्फ अगर सेक थीटा होगा तो रूट में बदल देंगे, सेक थीटा बराबर तो रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हो गया। अब फिर उसके बाद सेक के लिए लिखेंगे, तो अगर टेन को उधर ले जाए, एक को इधर लाएंगे है ना, तो इधर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर कितना, टेन स्क्वायर थीटा, हो गया। तो अगर सेक स्क्वायर लिखना है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर सेक टेन स्क्वायर थीटा लिखना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ज़्यादातर इसी में बच्चा सब कन्फ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि सेक टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो इसी में याद रखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर होता है टेन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर। फिर उसके बाद इधर टेन थीटा बराबर कितना, तो इसका रूट टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, हो गया। फिर अब उसके बाद एक और कौन है, कॉसेक और कॉट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना, वन, हो गया। अब फिर कॉट को उधर ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे, कॉसेक थीटा बराबर कितना, अंडर रूट कितना, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हो गया। फिर उसके बाद कॉट थीटा को, कॉट थीटा बराबर कितना, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, हो गया। और जब भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आ जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं सब, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा कितना, कॉसेक थीटा प्लस वन और कॉसेक थीटा माइनस वन, हो गया। फिर उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और फिर कॉट थीटा बराबर कितना, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर वन, ये तो बहुत है, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर वन। फिर उसके बाद
कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर वन, और फिर टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर